कैसे हुई बप्पी लहरी की मौत? आपको बता दें, क्रीट केयर अस्पताल ने जारी किया है ऑफिशियल स्टेटमेंट। बप्पी लहरी के निधन के बाद जुहू के क्रीट केयर अस्पताल के डॉक्टर ने अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है। बप्पी दा ओएसए और रिस्ट्रिक्टिव स्लीप एप्रिया और बार बार सीने में संक्रमण से पीड़ित थे। उनका इलाज डॉक्टर दीपक नामजोशी ने किया। इसके साथ वे 29 दिन तक जोहू के क्रिट केयर अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद उन्हें 15 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालांकि घर पर उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और उन्हें गंभीर हालत में जोहू के क्रिट केयर अस्पताल में वापस लाया गया। लगभग 11:45 पर उनकी मौत हो गई। वह पिछले एक साल से ओएसए से पीड़ित थे।